शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, लेकिन महान होने के लिए शुरुआत करना बहुत जरूरी है। इसलिए एक अच्छे स्टूडेंट के जैसे अच्छे से पढ़ाई शुरू कीजिए। लॉकडाउन के दरमियान में लॉकडाउन के अभी रहते हुए आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा आपको ज़िंदगी में। और आप लोग जो होमवर्क बनाते हैं अपने ग्रुप में, ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपको ज्वाइन करवाया गया है, आप उसमें ज़रूर डालने की कोशिश करें। और हाँ, अगर किसी स्टूडेंट का व्हाट्सएप ग्रुप में इन नहीं हुआ, ज्वाइंट नहीं हुआ है, तो अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करें हमारे कोई भी टीचर के पास, जो कि आपको ऐड कर दिया जाएगा। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फॉर क्लास सिक्स चैप्टर फर्स्ट नोइंग आवर नंबर्स। जो आपका ये चैप्टर वन जो है आपका नोइंग आवर नंबर्स में जो टॉपिक है वो आपका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का है। सबसे पहले समझते हैं कि फेस वैल्यू होता क्या है। व्हाट इज फेस वैल्यू? व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ फेस वैल्यू? द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज द नंबर और ए सिंबल इट रिप्रेजेंट्स रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजिशन इन द न्यूमेरल। यानी कहने का मतलब है फेस वैल्यू जो होगा वो एक डिजिट है, नंबर है, सिंबल है, जो रिप्रेजेंट करता है कि वो अपने न्यूमरल में, अपने नंबर में वो किस पोजीशन पर और क्या है। फॉर एग्जांपल द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन द 376,457 एज वेल इन 57,648 इज 5। यानी इतना जो देखे 376,457 में भी और 57,644 में भी, इसका ये कितने नंबर पे है इससे मतलब नहीं है कि इसका रैंकिंग क्या है, ये 1000 पर है, ये 10 पर है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि इसका फेस वैल्यू जो होगा वही रहेगा, सेम ही रहेगा, 5 ही रहेगा। अब प्लेस वैल्यू देखिए, द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर इज इट्स फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इट्स पोजिशन वैल्यू इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। यानी इसका जो रहता है प्लेस वैल्यू में, वो डिजिट जो रहता है उसका फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद वो अपने पोजीशन पे, जिस पोजीशन में रहता है उसको हम लोग दर्शाते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में। द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन इन द नंबर। यानी वो दर्शाता है कि वो उसका पोजीशन क्या है, वो उस डिजिट का वो कितने नंबर पे है। फॉर एग्जाम्पल द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 6285, यानी 6285 में 5 का पूछा जा रहा है कि ये प्लेस वैल्यू क्या होगा। ये वंस डिजिट पर है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करके 5 होगा। अगर ये टेंस डिजिट पर रहता तो ये 10 से मल्टीप्लाई करके 50 हो जाता। अगर ये 100 डिजिट पर रहता तो 5 को मल्टीप्लाई करते 100 से 500 हो जाता। समझ गए होंगे आप फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। चलिए आप समझते थोड़ा। द फेस वैल्यू एज वेल एज वैल्यू ऑफ द डिजिट 0 इज ऑलवेज 0 इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजिशन इन द नंबर। यानी फेस वैल्यू जो होगा जो रहेगा वो जितने प्लेस पर रहेगा चाहे उसका जियो फेस हो वही रहेगा, वो बदलता नहीं है। अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट थोड़ा देखते हैं इंटरनेशनल में कैसे होता है। वंस होता है, टेंस होता है, हंड्रेड होता है, थाउजेंड होता है, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, उसके बाद 100 बिलियन, इस तरह का इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में होता है। आप देख सकते हैं वंस का 1 लिखा है, टेंस का 10 लिखा है, 100 का 100 लिखा है, 1000 का 1000 लिखा है, 10,000 का 10,000 लिखा है, 10,000 ये 10,000 था, अब ये 100,000 तो ऐसे लिखा गया है। और इसका देखिए अच्छे से, जब ये आगे बढ़ते जाता है इसका कोमा का जो यूज होता है 3 डिजिट के बाद हो रहा है। देखिए 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर देखिए 3 डिजिट 3 डिजिट। अब इधर कोई नहीं बचा है तो जितना बचा उसी में लगा देंगे। अब यहाँ देखिए 9 डिजिट है तो 3 3 3 पर लग रहा है, फिर याद रखिए 3 3 3 जो बच रहा है उसको छोड़ दीजिए, फिर 3 3 3 फिर जो बच रहा है छोड़ दीजिए। इस तरह से इसका कोमा का यूज होता है। तो इस तरह से ये शुरुआत होता है, इस तरह से आप देख लें किस तरह से ये यूज होता है, 1000 मिलियन बिलियन करके। लेट्स लर्न टू राइट एंड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट एंड कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स नेम। यानी आप इसको देख लें किस तरह से ये दिया हुआ है तो आप इसको याद कर लें, क्योंकि आगे चल के आपको यूज करना है, कोमा का यूज करना है, फिर जाके 10,000, 10,000, 100,000 करके यूज करना है। फिर राइटिंग नंबर्स इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। आप देखिए हम लोग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में उसको किस तरह से लिखेंगे, तो आपको दिखा दिए कि किस तरह से होता है। फिर देखिए वंस है,
फिर टेंस है, फिर ये है, पहले इसको देखते हैं नंबर क्या है। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, और उसके बाद होता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, यानी 34 बिलियन, 566 मिलियन। उसके बाद है 675,000, उसके बाद है 891। ये इस तरह के तरीके से दिया रहता है। फिर से देख ले, 34 बिलियन, 561 मिलियन, उसके बाद 675,000, उसके बाद है 891। इस तरह से दिया हुआ, आप देख लें, वंस के जगह पे वन आएगा, नाइन के जगह पे, टेंस के जगह पे नाइन आएगा, हंड्रेड के जगह पे एट आएगा, और थाउजेंड के जगह फाइव आएगा, सेवन जो आएगा 10,000 के जगह पर आएगा, सिक्स जो आएगा वो 100,000 के जगह पर आएगा, वन जो आएगा मिलियन पर आएगा, फिर सिक्स आएगा 10 मिलियन पर, अब फाइव जो आएगा वो 100 मिलियन पर आएगा, फोर जो आएगा बिलियन पर आएगा, और थ्री जो आएगा 10 बिलियन पर आएगा। इस तरह से दिया हुआ, आप इसको देख ले अच्छे से, तीन एग्जांपल है आपका। अब फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, यहाँ पर आपको फर्स्ट दिन बताएंगे कि यहाँ पर बीच में कुछ लगता है तब ये कंप्लीट होता है। अब वन लैख है, वन लैख है तो ये कितना थाउजेंड बराबर वन लैख हो जाएगा, तो हंड्रेड थाउजेंड, हंड्रेड को मल्टीप्लाइकेशन थाउजेंड से करेंगे तो वन लैख हो जाएगा। वन करोड़ है, ये कितना करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो वन मिलियन हो जाएगा। अगर टेन को, टेन मिलियन बराबर हो जाएगा आपका क्या, टेन मिलियन को टेन से मल्टीप्लाई करिए, वन करोड़ हो जाएगा। फिर उसके बाद वन मिलियन, टेन लाख, टेन को वन लाख से मल्टीप्लाई कीजिए, वो हो जाएगा वन मिलियन, यानी टेन लाख बराबर वन, टेन लाख बराबर वन मिलियन। फिर उसके बाद हो जाएगा टेन को मल्टीप्लेक्स हंड्रेड थाउजेंड से, उसके बाद वन मिलियन हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको समझिए, उसके बाद बनाइए, दो तीन बार समझिए पहले किस तरह के से बताया जा रहा है कि क्यों इसको किस तरह से करना है। फिर राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग विथ कोमाज एट करेक्ट, यानी यहाँ पर कोमा का यूज करना है। सबसे पहले देखिए, 72 लाख 35,408, तो 408 तीन कोमा पे इसको लगाइए, क्योंकि ये इंडियन में है तो इंडियन हिसाब से लगाएंगे, इंटरनेशनल प्लेस में नहीं है, ये इंडियन प्लेस में है। उसके बाद क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि कैसे समझ में आएगा, जब मिलियन बिलियन इस तरह का कुछ रहा करे तो आप समझ लीजिए वो इंटरनेशनल में रहता है, अगर लैक दिया हुआ है तो ये समझ लीजिए कि इंडियन प्लेस में दिया है। तो अब देखिए 400, अब इसमें जो यूज होता है, मतलब 22 करके यूज होता है, लास्ट में जो बचता है उसमें यूज हो जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इधर टू में यूज हुआ, इधर टू में, इधर जो बचा है थ्री में, थ्री में रहना ही चाहिए, कहेंगे 400 ने तो आप इसको करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, ये 408 करके रह जाता है, लास्ट में थ्री बच जाना चाहिए। पहले टू टू करके कोमा लगाते हैं, दो डिजिट को लगाइए, फिर दो डिजिट में लगाइए, फिर जो बचा तीन डिजिट उसको छोड़ दीजिए, लास्ट में थ्री डिजिट छोड़ देना है। तो यहाँ पर 72 लाख 35,408 इस तरह का है। फिर 8 करोड़ 94 लाख, और उसके बाद 502, इस तरह के से आप बना सकते हैं, इस तरह का एग्जांपल दिया हुआ है, समझ सकते हैं। चलिए आप देखिए, इंसर्ट कोमा सूटेबली एंड राइट द नंबर नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, यानी इंडियन नंबर में इसको लिखना है, आप समझ सकते हैं इसमें लाख करोड़ आएगा, लाख करोड़, 10 करोड़, इस तरह का आएगा, अरब खरब में आएगा, और इंटरनेशनल में आप जानते हैं मिलियन बिलियन करके आता है। यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, ये नंबर को आप नंबर वाला बॉक्स में लिख लें। अब इसमें कोमा का यूज करें, सबसे पहले इसका पेयर लगाएं, दो दो करके है, नहीं है, दो चार छः आठ है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में तीन बचना चाहिए, तो इसको पहले लगाएंगे, इसको पढ़ेंगे 8,75,00,000। अब इसको लिख लीजिए नंबर नेम्स, तब इसको अच्छे से करना होगा, तब समझ में ज़्यादा आएगा, तब कोमा का यूज अच्छा से कर पाइएगा। 8,75,00,000, 8,75,00,000, 95,762, 95,762। तो आप यहाँ से देख लीजिए, ये पढ़िए, वंस हंड्रेड, वंस टेंस हंड्रेड, थाउजेंड टेन थाउजेंड, लैक, सॉरी 10,000, उसके बाद लैक 10 लैक,
करोड़ यानी 8 करोड़, यानी 8 करोड़ 8 करोड़ 75 लाख 95,762। इस तरीके से आप देखें, फिर नेक्स्ट में उसी तरीके दिया है 70,13,121। तो इस तरीके से आप देखें, ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में दिया है, आप किस तरह से कोमा लगाते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में और कैसे इसको लिखते हैं ये देख लें 2-3 बार, क्योंकि इसका यूज आगे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये आपका छोटा सा हम टॉपिक लिए थे किस तरह से इसको कोमा का यूज करना है। देखिए, आप अपने आप को मतलब ऐसा ना समझे कि हमसे नहीं बन पाएगा, ये सब का मतलब आप बना चुके हैं, इसको वर्क कर चुके हैं, आप इसको अपने प्रीवियस क्लास में 3, 4, 5 में ये सब बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसलिए आप लोग से ये गलती नहीं होना चाहिए और आपसे ये मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए। जितना आप पढ़े हैं मिलियन बिलियन किस तरह से यूज होता है, आपको समझाया गया है पूरा और आप जान रहे हैं, और नहीं जान रहे तो अभी हम जस्ट आपको सब चीज़ बता दिए हैं, आप इसका यूज करें। अब चलते हैं टुडेज वर्क फॉर यू में, ये एक्सरसाइज आपको दिया गया है 1.1, आप आई होप इसको कर लेंगे। किस तरीके से दिया है यहाँ पर, राइट द न्यूमरेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन कॉमास, यानी कॉमास करेक्ट प्लेस पर करना है, आप इसको याद रखेंगे। ये आपका इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में है, इसलिए आप इसको जिस तरीके से कर सकते हैं आप करें। उसके बाद होमवर्क बना के अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर भेजें। यहाँ इंसर्ट कोमा सुटेबिलिटी ऑफ राइट एंड नंबर नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम, यहाँ नंबर नेम्स भी लिखना है और कोमा का भी यूज करना है। यहाँ इंसर्ट कोमा सुटेबिलिटी एंड राइट नंबर नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल न्यूमरेशन, यहाँ आपको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में करना है और कोमा का भी यूज करना है, यहाँ मिलियन बिलियन में आपको करना पड़ेगा, ये समझ लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स, डैश लैक इज इक्वल टू 100 मिलियन, कितना लाख बराबर 100 मिलियन हो जाएगा, आपको ये लिखना है। इस तरीके से इसको फिल इन द ब्लैंक्स बनाना है। या एक्सपेंडेड फ्रॉम, आपको पता है यानी ये शॉर्ट है तो आपको इसको लॉन्ग में बनाना है, और जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो आपका लंबा में रहता है, उसको शॉर्ट में करना रहता है। तो आप एक्सटेंडेड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ये सब पढ़ चुके हैं, इसलिए आप करने की कोशिश करें। नहीं होगा तो आपका कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर ये नहीं समझ में आया, हम उसका अच्छे से फिर दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, डिफरेंट बिटवीन प्लेस वैल्यू 7, इसमें जो 7 है इसमें 2 7 है देख रहे हैं आप, इसका दोनों का प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है, घटाना है, दोनों का प्लेस निकाल के कितने प्लेस पर है और दोनों को घटा देना है। हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल, 7 डिजिट में पूरे कितने नंबर होते हैं वो आपको करना है, आप जानते हैं किस तरह से करना है। नहीं होगा तो ज़रूर बताएं, हम ज़रूर बताएंगे आपको, आप इसको पहले खुद से करने की कोशिश करें, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में आपको ये नहीं बताए हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि इसको आपको खुद पे अगर करने के लिए देंगे, थोड़ा सा हिंट दे दिए हैं आपको खुद करना, अगर नहीं होगा तो हम डिटेल में आपको समझाएंगे दोबारा। 8 नंबर का क्वेश्चन है, आप देख ले डिफरेंस कर रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू, एट का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों का डिफरेंस करना है यानी घटाना है। विच इज़ द स्मॉलर, अब इसमें से दोनों में से कौन स्मॉलर है ये लिखना है। अरेंज ऑफ द फॉलोइंग नंबर असेंडिंग ऑर्डर, ये जितना भी नंबर दिया इसको असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में इसको लिखना है। अरेंज ऑफ फॉलोइंग नंबर ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी इसको जितना भी अरेंज करना है घटते क्रम में। तो ये 11th क्वेश्चन था, आई होप आप इसको कर लेंगे, और बनाने के बाद आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजें, ताकि वहाँ पर देख के आपको फीडबैक दे सके, आपको कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, इससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको दूर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।